दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोफोक्लिस के द्वारा लिखी हुई एक फेमस ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है इडिपस रिक्स। इडिपस रिक्स का स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। गाइस, सोफोक्लिस एक फेमस एंशियंट ट्रेजेडियन थे, ट्रेजेडियन और प्लेराइट कुछ भी कह सकते हैं आप। उन समय टोटल तीन प्लेराइट बहुत फेमस थे, एस्टाइलस, यूरिपिडिस और सोफोक्लिस। दोस्तों, सोफोक्लिस 497 BC में जन्म लिया था और उनका डेथ हुआ था 405 BC में। उन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, माना जाता है कि उन्होंने टोटल 120 प्लेस लिखे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही प्ले अभी भी पाया जाता है। उनका 7 प्ले अभी भी पाया जाता है, उनमें से एक ही इडिपस रिक्स। इडिपस को लेकर बेसिकली तीन प्ले लिखा गया है, इडिपस रिक्स, इडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगोन। उनमें से एक ही इडिपस रिक्स जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इस प्ले का टोटल दो नाम में पाया जाता है, इडिपस रिक्स और इडिपस द किंग। इसके अलावा भी एक नाम है, इडिपस टाइरिनस। ये टर्म ग्रीक है और दोस्तों, इसको पहले परफॉर्म किया गया था 429 BC में। इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है, एक इंसान की किस्मत कितनी बुरी हो सकती है। बेसिकली ग्रीक स्टोरी में क्या होता है, ग्रीक ट्रेजेडी में एक प्रोटागोनिस्ट, मतलब कि जो मेन कैरेक्टर है, उनकी कुछ छोटी सी गलती की वजह से उसका जीवन जो है वो एकदम से पलट जाता है और उनको बहुत बड़ी एक सजा मिल जाती है। उनको शायद पता भी नहीं हो वो गलती क्या है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टोरी को। तो हम लोग पहले कैरेक्टर जो है कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। पहले कैरेक्टर आता है लायस, जो कि किंग ऑफ थीबिस से एक्स किंग कह सकते हैं आप, क्योंकि इसका जो स्टोरी है बाद में है, इसलिए हम लोग इसे एक्स किंग कहेंगे। नेक्स्ट ही जोकस्टा, जोकस्टा जो कि है लायस की पत्नी, इडिपस का पत्नी, इडिपस का माँ। इसका एक ट्विस्ट है आप दोस्तों, बाद में स्टोरी में बताऊंगा। नेक्स्ट है प्रियस्ट, जो कि ज्यूस का प्रियस्ट है। नेक्स्ट है क्रेयन, क्रेयन जो कि है जोकस्टा की भाई, इडिपस का साला कह सकते हैं आप। उसके बाद है कोरस, एक कोरस में बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर एक लीडर भी था। उसके बाद है टेरेसियस, जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफेट है, बहुत अच्छी तरह से प्रोफेसी कर सकता है। ए मैसेंजर फ्रॉम कॉरिंथ, जो कि कॉरिंथ से आया था। ए फेपर्ट, अ मैसेंजर फ्रॉम इनसाइड द पैलेस, मतलब पैलेस में ही था एक मैसेंजर। एंटीगोन, इसमें एंटीगोन, इसमें कौन है दोस्तों, एंटीगोन इसमें है इडिपस का बेटी, इडिपस और जोकस्टा का बेटी। तो ये गया कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। चलिए अब स्टोरी जो है शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरू में क्या होता है, इडिपस जो कि थीबिस का किंग है, क्राउन किंग, वो गद्दी पर बैठा होता है, तभी कुछ कोरस जो है इडिपस के पास आता है। वो लोग कुछ फूल लेकर आए थे इडिपस को देने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था, तब थीबिस में एक प्लेग फैल गया था जिससे बहुत नुकसान हुआ था थीबिस के लोगों को। बहुत कैटल जो है मर जा रहे थे, बहुत इंसान मर जा रहे थे, इसलिए बहुत परेशान थे वो लोग। इसलिए इसका जो एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन पाने के लिए इडिपस के पास आए थे। एक्चुअली इडिपस जो है उन लोगों को पहले हेल्प किया था। क्या था वो हेल्प, इडिपस जब थीबिस में पहले आया था, एक्चुअली उसका घर करिंथ है, करिंथ से जब थीबिस आया था, तो थीबिस आने के बाद थीबिस का जो लोग है वो बहुत परेशान थे किसी एक दानव को लेकर, जिसका नाम है स्फिंक्स। स्फिंक्स कौन है दोस्तों, स्फिंक्स है एक दानव जिसके पास लायन का बॉडी था, पंख था, लेकिन उसका जो फेस है वो ह्यूमन फीमेल का था। वो बहुत तबाही मची हुई रखी थी थीबिस पर, तो उसके लोग जो है बहुत परेशान थे उसको लेकर। इडिपस तब कोरिन से वहाँ पर आया था, तब उसका जो क्राउन है, क्राउन बताता है कि अगर किसी ने स्फिंक्स का जो रिडल वो सॉल्व किया तो क्राउन किंग बनेगा एज अ प्राइज। तो इडिपस कहते हैं चलो मैं जाऊँगा, लेकिन स्फिंक्स के पास कोई भी टैलेंटेड आदमी जब ही गया है रिडल सॉल्व करने के लिए, तो वो सॉल्व नहीं कर पाया है और वो मर चुका है, मतलब स्फिंक्स ने उसको मार दिया है। तो स्फिंक्स का शर्त यही था कि अगर कोई उसका रिडिल जो है सॉल्व कर देगा तो वो वहाँ से चला जाएगा, अपने आप को मार देगा। तो इडिपस वहाँ पर जाता है रिडिल सॉल्व करने के लिए। स्फिंक्स उसे पूछता है कि कौन सी चीज़ पहले चार पाँव, फिर दो पाँव और बाद में तीन पाँव में चलता है, और जब चार पाँव में चलता है तब तो उसका कोई दोस्त नहीं होता है, वो बहुत मासूम होता है। तो इडिपस ने इसका आंसर दिया कि इंसान, क्योंकि इंसान जो है पहले चार पाँव में, बच्चा जब होता है तो चार पाँव में चलता है, मतलब उसका हाथ को लेकर। उसके बाद जब मैच्योर होता है तो दो पाँव में चलता है, और जब बुढ़ापा होता है तो तीन पाँव, मतलब छड़ी लेकर चलता है, और जब बच्चा होता है तो उसका कोई दोस्त नहीं होता है। तो ऐसे इडिपस जो है रिडल सॉल्व कर दिया और स्फिंक्स जो है वहाँ से चला गया अपने आप को मार दिया एक रॉक पर, और इडिपस जो है क्राउन किंग बना थीबिस का। तो इसीलिए जो थीबिस का लोग है इडिपस के पास आया फिर से मदद मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले उन लोगों को मदद कर चुका। तो इडिपस कहता है कि मैंने मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब क्रेयन जो कि जोकस्टा का भाई है, उसको भेजा है ओरेकल ऑफ डेल्फी पर कुछ सॉल्यूशन लेने के लिए। तो क्रेयन वहाँ से लौट आता है और कहता है कि एक सॉल्यूशन मिला है कि लायस जो कि पहले किंग हुआ था उसका मर्डर ही है इस प्लेग की वजह है, मतलब उसको अगर हम लोग यहाँ से भगा दे तो ये प्लेग जाएगी। इडिपस जोकस्टा को भी बोलता है कि आखिर लायस का क्या हुआ था।
तो जोकास्टा कहता है कि मेरी जो पूर्वपति था उसका मर्डर हुआ था कुछ रबर के हाथ में, बैंड ऑफ रबर जो है मतलब चोर के हाथों में। वहाँ से सभी मर गए थे लेकिन एक जो है वहाँ से जिंदा बच गया था, लेकिन वहाँ से भाग गया है। तो ईडिपस कहता है चलो ठीक है, मैं उसे ढूंढूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसे मैं लायस का जो मर्डरर है उसको एग्जीक्यूट तो करूँगा ही, उसको मार भी दूंगा। तो कोरस जो लोग है वो सभी कहता है टाइडस नाम के एक ब्लाइंड प्रॉफेट है जो कि बहुत अच्छी भविष्यवाणी करता है और वो कह सकते हैं कि लायस का मर्डरर कौन है। ईडिपस कहता है चलो ठीक है टाइडस को यहाँ पर बुलाओ, वो क्या भविष्यवाणी करता है देखा जाए। तो टाइडस को बुलाता है वहाँ पर। टाइडस का जब ईडिपस पूछता है कि कौन लायस का मर्डरर है तो वो कहता है मैं नहीं बताऊँगा, मुझे नहीं पता। तो ईडिपस बहुत फोर्स किया उसको लेकिन वो नहीं बताया। तो ईडिपस गुस्से में आकर उसको कहता है कि तूने ही लायस को मारा है, और उसको ब्लाइंड जो है ब्लाइंडनेस को लेकर मॉक करता है। इसे टाइडस गुस्सा हो जाता है और टाइडस कहता है तू मुझे क्या मॉक कर रहा है, तू बाद में खुद ब्लाइंड हो जाएगा। और टाइडस ये भी बोलता है कि तूने ही लायस को मारा है, इस तरह की भविष्यवाणी करता है। इसके बाद ईडिपस गुस्सा हो गया और टाइडस तो वहाँ से चला गया। वो क्रियोन को बोलता है कि तू और टाइडस जो है वो मिला हुआ है और वो पहले लायस को मारा है और मुझे मारना चाहती है ताकि जो तख्त है मतलब जो गद्दी है वो उसको मिल जाए। ईडिपस का क्रियोन को लेकर ये बात सुनकर जोकास्टा बहुत घबरा गया था। तो कहता है तुम ऐसा मत करो, तुम क्रियोन को मत मारो, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, तुम एक काम करो तुम उसे एग्जीक्यूट कर दो लेकिन उसे मत मारो। उसके बाद जोकास्टा देखता है कि उसका पति जो है बहुत परेशान है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो। तो कहता है टाइडस का जो प्रॉफिस है इसको लेकर। तो वो कहता है कि प्रॉफिस वॉफिस तुम छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होता है क्योंकि मेरा जब लायस जब जिंदा था मेरा पति तो एक प्रॉफिस हुआ था हमारे बेटे को लेकर, डेल्फी से ऐसा ओरेकल ऑफ डेल्फी से ऐसा प्रॉफिस हुआ था कि हमारा जो बेटा होगा वो अपनी अपने पिता को मार देगा। तो लायस इसीलिए जो किंग था वो इसीलिए अपनी जो बेटा है पहले बेटा उसको माउंट किथेरॉन पे जाया था, वहाँ से उसको मार दिया था। तो देखो अब तो सब ठीक है, वो तो कुछ रबर के हाथों से मारा गया, अपनी बेटी के हाथ से नहीं। तो ईडिपस को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, ईडिपस बहुत घबरा गया था। लेकिन उसके पति की जो उसका पत्नी का बात सुनकर वो थोड़ा शांत भी हुआ था। ईडिपस कहता है कि मैं बचपन से ही इस जो प्रॉफिसी है प्रॉफिसी की वजह से मेरे जीना हराम हो गया है, मेरे भी एक प्रॉफिसी हुआ था कुछ साल पहले, मैं असल में कॉरिन से आया हूँ, मेरा माँ का नाम है मेरोपी और मेरा मेरा पिता है पॉलिबस। तो एक दिन मैं राजमहल में था तो एक रूमर मैंने सुना था कि वो लोग मेरा असली पिता माता नहीं है, इसलिए मैं जो डेल्फी है अपोलो का जो ओरेकल वहाँ पर गया था और मैंने पूछा इसके बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ सटीक आंसर मुझे नहीं दिया। उन्होंने एक प्रॉफेसी किया कि तुम अपने पिता को मारोगे और तुम अपनी माँ से शादी करोगे, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया, डायरेक्ट वहाँ से भागकर थिबिस आ गया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। ईडिपस जो ओरेकल है ओरेकल सुनकर वहाँ से आने के वक्त थ्री क्रॉस रोड में जो मतलब तीन रास्तों की बीच में एक प्लेस है वहाँ पर एक लोग उसे मिलता है जिसका नाम है लायस, लेकिन उसे नहीं पता होता है वो किंग है, उसे नहीं पता होता है, वो सिर्फ एक ये समझ लेता है कि वो एक बहुत रिच फैमिली से है। तो उन दोनों के बीच में एक बहस हुआ था कि कौन आगे जाएगा। तो इसीलिए इस बात बात में लायस उसको गुस्सा दिखाता है, तो ईडिपस बहुत गुस्सा हो जाता है और जो है फाइटिंग के लिए वो दोनों तैयार हो जाता है। तो ईडिपस जो है अकेले ही सभी को मार दिया, लायस को भी मार दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जो है थिबिस का किंग है, सभी को मार दिया लेकिन एक वहाँ से भाग गया था। तो ये था कुछ फ्लैशबैक का स्टोरी ईडिपस का। तो उसके बाद ही मैं थिबिस आया हूँ। उसके बाद ही एक खबर आती है कॉरिन से, आपका पिता जो है पॉलिबस वो मर चुका है और आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए। ईडिपस इस बात को सुनकर दुख भी होता है लेकिन वो बहुत खुश होता है कि मेरी हाथ से मेरी पिता जो है उसका नहीं मौत हुआ है। दोस्तों ये फ्लैशबैक नहीं है, ये प्रेजेंट है, मतलब जब मैसेंजर आया तब से प्रेजेंट स्टोरी है। तो क्या पता चलता है कि उसका पिता जो है पॉलिबस वो मर चुका है नेचुरली, ईडिपस के हाथ से नहीं। तो ईडिपस इस बात को लेकर बहुत खुश है लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाता है, किस लिए? क्योंकि उसका माँ जो है अभी भी जिंदा है और उसके माँ से उससे शादी होगा, ऐसे ही प्रॉफेसी हुआ था एपोलो के ओरेकल में, तो इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जाता है। तभी उसका जो मैसेंजर वो कहता है कि तुम इतनी घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम तो उन लोगों की अच्छी असली बेटे नहीं हो, एक्चुअली तुम लोगों को माउंट किथेरॉन में एडोप्ट किया था उन लोगों ने एक सेपर्ड के हाथों द्वारा। वो सेपर्ड वहाँ पर था तो सेपर्ड को पूछा मैंने अपने हाथों से उन लोगों को दिया है, उन वो जो सेपर्ड था वो जो सेपर्ड और मैसेंजर उनको दिया था और एक सेपर्ड ने। तो ईडिपस इस बात को लेकर बहुत टेंशन हो गया कि उसका असली पिता माता कौन है। तो दोस्तों इसको लेकर एक स्टोरी है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। एक्चुअली ईडिपस लायस और जोकास्टा का बेटा है। वो जब बचपन में छोटा था मतलब जब पैदा हुआ था तो एक प्रॉफेसी हुआ था कि
कि लायस का जो पहला बेटा होगा वो उसको मार देगा। इसलिए लायस जो है उसको मारने के लिए माउंट किथरन में ले गया था। वहाँ पर वो किसी को सौंप दिया था कि तुम इसे मार दो, लेकिन वो उसे नहीं मार पाया क्योंकि उसका जो फेस था उसको देखकर उसको बहुत दया आया कि इतनी छोटी बच्ची को मैं मार दूँ, इसलिए उसको नहीं मारा। तभी उसको पता चला कि जो पॉलीबस है कोरिंथ का किंग, उसका बेटा नहीं है, वो चाइल्डलेस है और उसका बीबी है मेरोपी। तो सोचा कि मैं उससे उसको दे दूँ, तो एक शेपर्ड को दे देता है कि तुम उसे उसको दे दो। और एक बात, ईडिपस के जो पैर है वो असल में ईडिपस को मारने के लिए लायस वहाँ पर ले आया था, तो उसको मारने के लिए उसका पैर में एक रस्सी टाइप का बांधा हुआ था, तो इसीलिए ईडिपस का जो पैर है वो फूल गया था। तो उसके बाद जब किंग पॉलीबस को उसका पैर नज़र आया कि उसका जो पैर है फूला हुआ है, तो उसका नाम रखा ईडिपस। ईडिपस मतलब सोलन फूल, ठीक है, मतलब पैर जो है फूला हुआ है, तो उसका जो पैर है फूला हुआ है उससे ही उसका नाम ईडिपस रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप सभी को क्लियर होगी शायद। ईडिपस इस बात को सुनकर और भी उतावला हो जाता है अपने पिता माता कौन है उस जानने के लिए। तो कहता है जो शेपर्ड ने मुझे पॉलीबस को दिया था, मतलब मेरी पिता माता को दिया था, उसको बुलाओ, उसको ढूंढो। तो उसको ढूंढता है और वहाँ पर लाया जाता है राजमहल में। जब जोकास ने उसको देखा तो उसको पहचान लिया, तो जोकास ने सडनली ईडिपस के पास जाता है, उससे उसको बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम अपनी जो बात है उसको लेकर तुम इतनी उतावला मत हो। लेकिन वो एक भी बात नहीं सुनता है, वो शेपर्ड को फोर्स करते कि तू बता, लेकिन डर से मारे शेपर्ड जो है वो नहीं बताता है कि आखिर मैं नहीं बताऊँगा। जब ईडिपस फोर्स करता है तब जोकास वहाँ से चला गया था, जब पूरी फोर्स करता है तो बताता है कि तुम ही जो है लायस के बेटा हो, लायस ने ही मुझे आपको दिया था मारने के लिए। ईडिपस से बात सुनकर उसके सिर में एकदम थंडर गिरने जैसा ऐसा होता है कि मैं अपनी पिता को मार दिया, मैं अपनी जो बेटी माँ है उसको शादी कर लिया। उसको पूरी बात जो है वो समझ में आ जाता है कि आखिर क्या हुआ है। जोकास उस तरफ चला गया था और वो दुख से मारे अपने आप को हैंग कर दिया, सुसाइड कर लिया। तो जब मैसेंजर तो प्लेस में वो आकर बताता है कि जोकास जो है वो अपने आप को मार दिया है। ईडिपस ये बात सुनकर जोकास के रूम की ओर भाग जाता है और देखता है जोकास मरा पड़ा है वहाँ पर। तो ईडिपस बहुत गुस्सा हो गया था अपने ऊपर क्योंकि वो अपनी माँ से शादी किया और अपनी पिता को मार दिया है। इसलिए जोकास का जो सर है वहाँ से पिन निकलता है और अपनी आँख में चुभकर वो अपनी जो आँख है वो अंधा हो जाता है। टीडीएसएस ने पॉपी से किया था, आप सभी को पता है शायद। तो इस तरह से जो है स्टोरी का एंडिंग होता है। लेकिन ईडिपस जो है अपनी थ्रोन का जो राज है वो क्रियोन के सौंप देता है कि तुम जो है आज से थीबिस का जो किंगडम है तुम ही संभालोगे, और अपनी बेटी एंटीगोनस मे को कहता है क्रियोन तुम इसे देखना। लेकिन क्रियोन भी उससे अच्छी तरह से बात नहीं करता है। तो ईडिपस अपने आप को अंधा कर लिया और जो थीबिस से खुद ही एग्जीक्यूट हो गया और आखिर तक उसने एक भिखारी के जैसा अपनी लाइफ गुजारा किया। इस स्टोरी में क्या ईडिपस का कोई दोस्त था? ईडिपस का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि ईडिपस को पता ही नहीं था क्या क्या हो रहा है उसके साथ। एक्चुअली ईडिपस का जो लाइफ है वो श्राप से भरा हुआ था। इस श्राप किस लिए था? उसके पिता की वजह से, लायस की वजह से, क्योंकि लायस एक किंग के बेटे के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, इसीलिए लायस श्रापित हुआ था और उसका जो वंश है वो वंश श्रापित हुआ था, इसीलिए ईडिपस का लाइफ जो है ऐसे हुआ। दोस्तों कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ईडिपस का एक्साइटमेंट सच जानने का यही उसका पतन का कारण है, एक्साइटमेंट और एंग्री। और कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं और हम लोग भी यही मानते हैं, मतलब क्लोज रीडिंग पढ़ने के बाद, कि ईडिपस का फेट ही खराब है। तो ये था कुछ ईडिपस रेक्स को लेकर समरी वगैरह। तो आई होप कि गाइस आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की पूरी इंफॉर्मेशन देने की, अगर कोई भी दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि गाइस आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।